यूट्यूबर है, उनसे मिलने जा रहे हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर है। हमने मिनी जू, इनका बहुत अच्छा मिनी जू है। तो ये उनके घर हम ये देख पहुंच चुके हैं, उनका घर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार भाई, आज हम एक जगह जा रहे हैं, बस नीचे भाई लोग ना तैयार हो रहे हैं, सफ़ी भाई वगैरह, एहसान भाई, अब्दुल्ला भाई, उनके साथ जाना है, वो तैयार हो रहे हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं वो तैयार हो गए तो चलते हैं। आपको हम दिखाएंगे, हम यूट्यूबर है, उनसे मिलने जा रहे हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। यार भाई, अब हम रास्ते में आए हैं, हम जा रहे हैं। सभी भाई, यार कितना दूर है? बस थोड़ा सा रह गया रास्ता यार, थोड़ा सा रह गया। ईशान भाई भी है पीछे, हम उधर पहुंचते हैं तो फिर आपसे मिलते। भाई पेट्रोल डलवाने आ गए हैं, हम इधर से यार, क्योंकि ना हम बड़ा दूर जा रहे हैं, इसलिए पेट्रोल बहुत जरूरी है, अभी डलवाते हैं पेट्रोल। सभी भाई पेट्रोल डलवा लिया ना? डलवा लिया, हम आगे जाते हैं यार, हमने पेट्रोल डलवा लिया, हम आगे चलते हैं। हम चलते हैं सभी भाई, यार चलो, हमने पेट्रोल डलवा लिया, अब चलते हैं हम अपने आगे मंजिल की तरफ। दोस्तों, हम ये बिहारी चौक से काफी आगे आ गए हैं, ये स्टेडियम आगे बताया हमें, गेट तक पहुँचते हैं, वहाँ पे पीछे ये शान भाई और भी वहाँ से आ रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं उनसे, मिलते हैं नहीं मिल पाते आपको। तो दोस्तों यार, अभी हम जो बिहारी चौक है, स्टेडियम है, ये देखे यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये देखे स्टेडियम के पास, बस उनका घर बिल्कुल यहीं से करीब है, अभी हम उनके घर की तरफ चलते हैं, फिर मिलते हैं आप। लाइटें भी लगी हुई है, ये देखिए ये गेट है इसका, मेन गेट है, देखिए बहुत बड़ा स्टेडियम है, यहाँ सारे मैचेस होते हैं। दोस्तों यार, अभी हम ये कॉलोनी के पास, इनकी ये कॉलोनी है, देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी हम इनके देखते घर नहीं मिल रहा, देखते मिलता नहीं मिलता, ढूंढते फिर मिलेगा आपसे, आपको भी मिलवाएगी, देखते। तो भाई यार, ये ना कॉलोनी बहुत बड़ी है, उनका घर ढूंढना ना हमारे लिए एक चैलेंज है। अभी ईशान भाई उधर देख रहे हैं उनका घर, अभी हम मिलते हैं, कहाँ कहीं मिलते हैं, आस पास से पता करते हैं, पता करते हैं, अगर हमें मिल जाते तो फिर उनसे मिलते हैं। यार देखते हैं वो कैसे लोग हैं, मिलने में अच्छे, एक लाख उनका अच्छा है, ये सामने ईशान भाई उन लोगों से पता कर रहे हैं। भाई हम ना गलत कॉलोनी में आ गए थे, उनकी कॉलोनी थोड़ी सी आगे, हमने इधर भाई तो मिलते जुलते हैं ना, इसलिए हम अच्छा, साथ वाली कॉलोनी में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इधर पहुँच गए हैं, इधर ना कॉलोनी के अंदर घूम के आना पड़ेगा, मंजिल के हम बहुत ही, ईशान भाई ने पूछा यार, पहुँचने वाले अभी, बस इधर ना ये घूम के जाना पड़ेगा। ईशान भाई, भाई बंदे से पूछो पीछे वो क्या कह रहा है, ठीक है घूम के आना पड़ेगा, कॉलोनी तो यही है ना, कॉलोनी यार यही है, ये देखिए ये जानी पहचानी आपको जगह लग रही होगी, उस बंदे ने कहा घूम के आना पड़ेगा, तो घूम के आते हैं, फिर देखते हैं अंदर हमें मिलते हो या नहीं मिलते। ये वाली गली यार, भाई से हमने पूछा उनका घर, तो उन्होंने बता दिया, अब चलते हैं भाई। ये वाली गली है सफी भाई, हाँ जी ये वाली है यार। तो यार दोस्तों, ये उनके घर हम ये देख पहुंच चुके हैं, उनका घर है, और ये सामने मिनी जू, इनका बहुत अच्छा मिनी जू है। इनसे मिल लिए, अब हम ना निकल गए, इन्होंने कहा था वीडियो नहीं बनानी बिल्कुल भी, हम आपको बताएंगे इनका घर कहाँ पे है, हम ना निकल गए, अब इनके घर से हम जा रहे हैं, लोकेशन नहीं बताएंगे यार उन्होंने के लोकेशन नहीं बतानी किसी को, और इधर वीडियो भी अलाउ नहीं है, इसलिए हम किसी को यार लोकेशन और वीडियो ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी इधर वो अपनी कैसी है उनकी घोड़ी, उनके खिलाफ बहुत अच्छा था भाई, हम शहर में दिया सत्यान और तेरा भाई से मिला है, उन्होंने यार मना किया था, एड्रेस नहीं बताना किसी को ना लोकेशन, अब हम बाहर आ गए, ये सामने स्टेडियम है, ये देखे यार उनका अखलाक बहुत अच्छा था, उनसे मिलके अच्छा लगा। सफी भाई आपको कैसे लगा? यार उनका अखलाक बहुत अच्छा था, उन्होंने गुरूर बिल्कुल नहीं करा, उन्होंने हमें मिनी जू भी दिखाया, मिनी जू यार मिनी जू वीडियो में इतना बड़ा लगता है और वैसे बहुत छोटा है, छोटा था वीडियो में लगता है, 0.5x से बनाते हैं, गुरूर ने अखलाक अच्छे अखलाक से मिले उन्होंने। और यार तुराया भाई क्या कह रहे थे, क्यों सो रहे थे यार तुराया भाई, यार सो रहे थे, उन्होंने कहा आप किसी दिन शाम को आना, आपको हम तुराया भाई से भी मिलवाएंगे, और हम उनका अखलाक बहुत अच्छा है, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप और यार किसी दिन शाम को भी चले गए तो आप भाई से मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, मेरे यूट्यूबर होते हैं उनके अंदर गुरूर आ जाता है, मास अफदर वगैरह, जैसे मास अफदर है उसके अंदर बहुत गुरूर है, ये शहर में दियात वाले बड़े अच्छे इंसान हैं, ऐसे इनके अंदर गुरूर नहीं है, मिले भी बहुत अच्छे तरीके से,
यार भाई, भाई कैसा लगा ईशान भाई? अच्छा लगा मिलके यार। यार ईशान भाई किसी दिन शाम को आना, तो रैप भाई से भी मिलना है। भाई जुम्मे को है शादी, मसरूफियात है यार, जुम्मे को ना हमारी मसरूफियात है। ये दो भाइयों का चैनल भी है यार, सफी अहमद व्लॉग के नाम से यार, इनको भी आप सपोर्ट करो, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। सफी अहमद पेट हाउस, अहमद पेट हाउस यार, मिक्स सेटअप है इनका। और यार आप क्या क्या यार, फिर शाम जितना हो सकता है हम चलाएंगे अच्छी तरह। हम तोते भी लाए, मुर्गियाँ भी लानी हमने, आपको दिखा दे भाई शाम को आना। फिर मेहनत कर रहे हैं यार इनके, आप सेटअप इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार कर रहे हैं, अब इन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई। किसी दिन शाम को आना यार फिर। हाँ इंशाल्लाह ताला यार, हम किस टाइम है यार फिर? दोपहर में यार, 2 बजे यार, अगर हमें टाइम मिला ना, हम जुम्मे को आएंगे या फिर अगले दिन आएंगे, ठीक है यार? तो यार अब हम चलते हैं अपने घर वापसी, ठीक है? हम उनसे मिलने तो दोस्तों अभी ना हम उनसे मिल के आए हैं, तो रैप सत्यन भाई से। तो रैप भाई तो थे नहीं जैसे कि हमने आपको बताया, और ना सर्दियाँ भी आने लगी है। देखिए हमने सारे ना ये ढकने लग गए रात को ऐसे था, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमने सारे ढक दिए अपने पेट। और इंशाल्लाह हम और से ज़्यादा अपने यहाँ पेट हाउस में चीज़ें लाएंगे, आपने हमें सपोर्ट करना है। और जो शहर में देहात वाले उनसे मिले, उनका इखलाक बहुत अच्छा था, उन्होंने गुरूर नहीं करा बिल्कुल भी दोस्तों। वो हमें बिल्कुल मिनी ज़ू भी विज़िट कराया, अंदर से सारी चीज़ें देखा, उनका शेर भी देखा हमने, गाय वगैरह हर चीज़ देखी उन्होंने। बिल्कुल भी हमें ये नहीं कहा कि चले जाओ बस कर दो उनका। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम यहाँ अपने पेट हाउस में बहुत सी यहाँ पे ना पिंजरे में ये खुड्डा बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लाई गई। अब हमारे पे 2 मुर्गे और 2 ये असील है इंशाल्लाह। इसके अलावा भी हम और भी चीज़ें लाएंगे, बड़ा कर देंगे, आपने हमें सपोर्ट करना है। और जो नीचे कबूतर हमारे यहाँ पड़े वो भी हमने आपको दिखाए थे व्लॉग में, हो गए हमारे, और हम उनसे मिले, हम बहुत खुश हैं। उनके सामने तस्वीरें भी बनाई आपने, वो हमारे व्लॉग में देखे होंगे, हमें ऐड कर देंगे हम व्लॉग में। बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छे अखलाक से मिले, इज्जत दी उन्होंने, सलाम वगैरह करा, कोई वो नहीं करा। ये देखे इसमें हमने चीज़ें भरनी है फ़िलहाल, ये देखे सारी यहाँ पे कबूतर भी लाने, हमने हर चीज़ जितना हमसे हो सकेगा हम लाएंगे, बस आपने हमें सपोर्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि हम उनसे मिल के आए हैं, उनका वो उनका घर हमारे घर से बहुत दूर था, हम मिले, हमें एड्रेस उनका बड़ी मुश्किल से मिला था गलियों में जाके, हमने आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। बड़ी मुश्किल से उनके घर का हमने एड्रेस पूछा बच्चों से, लोगों से वहाँ पे, तो हमें मिलके बहुत खुशी हुई। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अल्लाह हाफिज़। भाई यार हम शहर में देहात वालों से मिला है और हम अपनी छत पे आ गए हैं, हमने अपने सारे मुर्गे मुर्गी और सील चूज़ों को खोल दिया है। यार उनका इखलाक बड़ा अच्छा है, वो अपना हमें सत्यन भाई मिले थे, तुराब भाई मिले नहीं, वो कह रहे हैं आप किसी दिन शाम को आना, आपको हम तुराब भाई से भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह, किसी दिन शाम को जाएंगे और तुराब भाई से भी मिलेंगे। हमने घोड़ी भी देखी है जो कि जिसका नाम कैसी है, और हमने गैया भी देखी है, गावा भी देखा है उसका बच्चा, और हमने बहुत सी चीज़ें देखी। और ना उनके हस्की डॉग थे ना जो सर्बेनियन हस्की डॉग, वो ना वॉक पे गए हुए थे, वो कह रहे थे इसलिए उन्होंने हमें वो दिखाया नहीं। और तुराब भाई भी नहीं मिले हमें, वो कह रहे थे आप किसी दिन शाम को आना, आपको मैं तुराब भाई से भी मिलवाऊंगा, किसी दिन शाम को जाएगी और तुराब भाई से भी मिले। और इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल सफी अहमद को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।